देखिए, हमने संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास किया है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास हुआ है। लेकिन अगर हम अयोध्या, अपने आराध्य काशी और मथुरा को छोड़ देंगे या उसकी चर्चा नहीं करेंगे, तो करोड़ों करोड़ जो हमारे श्रद्धालु भाई हैं, जो इंतज़ार कर रहे थे कि आज उत्तर प्रदेश में वो सरकार है जहां श्रद्धालुओं पर गोली नहीं चलती, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आज मथुरा का विकास होना महत्वपूर्ण है। अभी आप देखें, अभी परसों माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं काशी में, आप देखेंगे कि भव्य वहाँ पर जो मंदिर की आज पहले आप जाते थे, सकरी गलियों से जाते थे, आज विकास वहाँ हुआ है। तो आज भोलेनाथ की नगरी में जाइएगा, जो श्रद्धालु जाएंगे, जो दर्शनार्थी जाएंगे, वो देखेंगे, वो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना अमूलचूल परिवर्तन आया है। अयोध्या आज आप जाकर देखें, प्रभु श्री राम की नगरी, जहाँ जन्मस्थली है, जहाँ पर श्रद्धालु जाते थे तो कभी डर लगता था कि गोलियाँ ना चल जाएँ और गोलियाँ खाते थे, लेकिन उनके बलिदान ने आज यहाँ पर हमको पहुँचाया कि आज प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो मथुरा की, तो जब वहाँ पर विकास कर दिया, यहाँ विकास कर दिया, तो अब मथुरा की बारी है, तो विकासकार तो होंगे ही होंगे। अगर हम विकास नहीं करेंगे तो विपक्ष कहेगा कि साहब आपने कहा था, आपने विकास नहीं किया। तो हमारी समझ में ये नहीं आता है कि क्या विपक्ष के नेता ये बताएं कि उन्हें आस्था है कृष्ण जी में या नहीं है, प्रभु श्री राम में आस्था है नहीं है, भोलेनाथ में आस्था है या नहीं है, या विकास कार्यों में उनकी रुचि है या नहीं है। तो इसका मतलब है कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति करता है, तुष्टिकरण की बात करता है, हम विकास की बात करते हैं। इसलिए हम अपने आराध्य का भी विकास करना चाहते हैं, वहाँ पर उन मंदिरों का भी सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं। हमारी एक टीम है, हमारी एक टीम है और हमारे सदस्य हैं उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, हम उनकी टीम है, हमारी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता के लिए हम काम करने के लिए समर्पित लोग हैं। इसलिए हमारी कोई बी टीम नहीं है, उत्तर प्रदेश और देश की जनता ही हमारी। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी छूट है, वो किसी के साथ कोई जा सकता है, लेकिन अगर उनके ही दल के किसी नेता ने कहा है कि ये नौटंकी चल रही है, ड्रामा चल रहा है, तो इसका समझ लेना चाहिए परिणाम क्या होने वाला है।